आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सबका वैल्यू। तो हालांकि पिछले वीडियो में मैंने प्रूव कर दिया था कि आपका साइन 31 बाई 2 होता है कैसे, साइन 45 1 बाई रूट 2 होता है कैसे, टेन 45 1 होता है, टेन 60 रूट 3 होता है ना। तो ये सब का वैल्यू मैंने आपको प्रूव कर दिया है, ठीक है। अब देखिए टेबल, टेबल मैं आपको सबको मैं एक बार टेबल बना के, और उसमें मैंने एक चीज बोला था कि साइन 0 डिग्री और साइन 90 डिग्री ये आपका दोनों एक्सम है। साइन 0 और साइन 90 का वैल्यू होता है, या कॉस 0 कॉस 90, ये सब एक्सम है। क्या है? एक्सम, जो कि वर्सल ट्रूथ है ना। प्रूव विदाउट प्रूफ, मैंने बिना साबित के ही प्रूव है, बिना साबित का ही प्रूव है, ठीक है। तो देखिए, तो ये तो मैंने बताया था ये एक्सम है। यहां पर देखिए मैंने आपको एंगल लिखा है, ये नीचे की ओर वर्टिकल देखिए डायरेक्शन मैंने दिखा दिया है, ये आपको एंगल लिखाएगा, और ये टी रेशियो है। ये क्या है? टी रेशियो है, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी इसमें जो भी लिखाएगा साइन थीटा का वैल्यू, इस टेबल में जो भी लिखाएगा कॉस थीटा का वैल्यू, इस टेबल में टेन थीटा, इस टेबल में कॉस थीटा, इसमें सेक और इसमें कॉसेक थीटा का वैल्यू है ना, ठीक है। तो देखिएगा ये मैंने क्या दिखाया है, एंगल। ये क्या दिखाया मैंने? एंगल दिखाया है ना, ये हमने एंगल दिखाया। एंगल कहाँ दिखाया मैंने? वर्टिकली डाउनवर्ड। और इस साइड मैंने टी रेशियो लिखा है, मैं लिख देता हूँ टी रेशियो, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, डायरेक्शन में शो कर दिया हूँ, ठीक है। टी रेशियो कहाँ? ये इस तरह से हॉरिजॉन्टली और एंगल वर्टिकली। टी रेशियो देखिए डायरेक्शन लिखा, डायरेक्शन से समझिएगा, टी रेशियो हॉरिजॉन्टली है और एंगल वर्टिकली है। इसमें मैं साइन का वैल्यू कॉस का, इसमें टैन का, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, इसका वैल्यू 1 बाय साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 है ना। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और साइन 30 का वैल्यू 1/2, ठीक है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। मैंने इसको प्रूव भी कर दिया था, मैंने इसे प्रूव कर दिया था, ठीक है। ये साइन का है, ये साइन थीटा का, ये सारा टेप डेटा, ये जो कॉलम है वो साइन थीटा का है, तो ये कितना का? साइन 0 का। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये जो कॉलम देख रहे हैं, वो किसका वैल्यू है सर? साइन थीटा का। इस कॉलम में कॉस थीटा का वैल्यू, ये किसका वैल्यू है? साइन थीटा में क्या डिग्री का? 30 डिग्री। ये किसका वैल्यू है? साइन थीटा में कितना डिग्री का? 30 डिग्री। मैंने यहां पर डायरेक्शन टी रेशियो ऐसे और एंगल देखना है तो ऐसे, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इसमें साइन है और एंगल देखना है तो वर्टिकली ना देखना है डाउनवर्ड। तो अगर मैं पूछ दूं कि ये किसका है, तो ये तो पहले बात साइन थीटा का वैल्यू है, और साइन में किसका? 45। चलिए अब हमको याद नहीं है साइन थीटा के, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू, तो एक ट्रिक मैं देता हूं आप लोगों को, कि जो है एक ट्रिक से आप क्या, जैसे आप रटे हैं ना, और केवल इसका वैल्यू साइन का आपको वैल्यू याद है ना, तो बस एक ट्रिक मैं आपको देता हूं, लिख दीजिए 0 1 2 3 4, सबको डिवाइड कर दीजिए 4 से, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए और रूट चढ़ा दीजिए सब पे, याद करने का तरीका। तो 0 बाई 4, 0 का रूट हो तो 0, अब 4 का रूट 2, 0 बाई 2 0, इसका 1 का रूट 1, अब 4 का रूट 2 तो 1/2, इसका कट जाएगा 2 टर्म्स, नीचे ऊपर कुछ नहीं तो 1, तो ये तो देखिए 1 का रूट 1 हो जाएगा और 2 का रूट होगा नहीं, जैस करता है, ये देखिए रूट 3 का रूट होगा नहीं तो जैस का, अब 4 का रूट 2 कट जाएगा 1 टर्म तो 1 का रूट 1। देखिए तो यही टेबल में वैल्यू मैंने लिखा है ना, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1, यही मैंने आपको लिखाया है, ठीक है। बस ये आपको याद हो गया, सारा का सारा खुद ब खुद याद हो जाएगा, केवल आपको साइन का याद करना है, बाकी सारा का सारा खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब समझ गया ना आप लोग कैसे कैसे किए हम, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 60 डिग्री, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। ऐसे तो हम जानते हैं कि साइन में साइन 0 साइन 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 नहीं याद है, सब में आप
एक जीरो लिख दिए, वन लिख दिए, टू लिख दिए, थ्री लिख दिए और फोर लिख दिए, सबको फोर से डिवाइड कर दिए और रूट कर दिए, तो जीरो बाई टू यानी जीरो, रूट कर दिए, रूट कर दिए, रूट कर दिए, वन और फोर का रूट टू, कट जाएगा टू टर्म्स, तो वन, वन का रूट वन, टू का रूट नहीं निकलेगा, रूट थ्री और फोर का रूट टू, कट जाएगा वन, तो वन का रूट वन, ठीक है। तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो, साइन थर्टी का वैल्यू वन बाई टू, साइन फोर्टी फाइव वन बाई रूट टू, साइन सिक्सटी रूट थ्री बाई टू, साइन नाइनटी वन। तो इस तरह से अगर नहीं किया था तो खुद से, और मैंने प्रूव कर दिया था 30, 60 और 45 डिग्री का, हाँ जीरो डिग्री वाला और 90 डिग्री वाला नहीं किया था, क्योंकि जीरो डिग्री और 90 डिग्री एक समय। चलिए हो गया आपका, अब आप पढ़ाई है, ध्यान दीजिएगा। मैं उसके पहले वो पॉइंट लिखा देता हूं, वेन सम ऑफ टू एंगल्स, ध्यान दीजिएगा, इज 90 डिग्री, जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, इन साइन थीटा एंड कॉस थीटा, थीटा ये एंगल हुआ, देन जब थीटा ना लिखना है लग दीजिए, मत लिखे, खाली डायरेक्ट लिखे, इन साइन एंड कॉस, साइन और कॉस में दो एंगल्स का सम 90 हो, देन बोथ वैल्यूज विल बी सेम, दोनों वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, बोथ वैल्यूज विल बी सेम, दोनों वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। जैसे देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कॉस 60 के वैल्यू पे इक्वल होगा, यानी वन बाई टू, मैंने प्रूफ भी कर दिया है आपको, पिछला वीडियो में मैंने थोड़ा सा चर्चा किया था। साइन उसी तरह 80 डिग्री कॉस में 10 डिग्री का वैल्यू का इक्वल होगा, मैं इसको प्रूफ भी कर दूंगा आपको, ये वाला जो सिचुएशन मैं लिखा रहा हूँ इसको मैं प्रूफ भी कर दूंगा, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं साइन 45 तो कॉस में 45 दे, जैसे कल मैंने प्रूफ किया था पीछे वाला वीडियो में, साइन 45 भी 1 बाई रूट 2 लाया था और कॉस 45 भी। तो बताइए साइन 0, ये देखिए साइन 0 का वैल्यू 0, ये किसका लिखा रहा है, कॉस 0 का, तो कॉस 0 होगा बराबर साइन 90, कॉस 0 बराबर साइन 90 कितना, ओ 1, ये हो गया, ये किसका, ये कॉस का हम निकाल रहा है, कॉस में कितना डिग्री का, तो कॉस 30 हो जाएगा साइन 60 डिग्री। अब अगर बिलीव ना हो तो आप पीछे मैंने प्रूव कर दिया है ना, ये आपके बुक में टेबल दिया हुआ है, टेबल में देख लीजिए, आपके पास बुक है, बुक में आप टेबल में देख लीजिए, ठीक है। अब बुक से रटिएगा तो हो सकता है भूल जाइएगा, तो मैं रटा नहीं रहा हूं आप लोगों को, समझा रहा हूं, मैंने शुरू में ही बोल दिया था ट्रिगोनोमेट्री में कोई भी फॉर्मूला आपको रटवाऊंगा नहीं, सबको मैं समझा दूंगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं इसमें, ठीक है। तो साइन और कॉस में दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो दोनों वैल्यू आपका सेम होगा, मैं आपको प्रूफ भी कर दूंगा आगे, मैं आपको प्रूफ भी कर दूंगा। तो ये देखिए कॉस कितना डिग्री है, 0, तो साइन 90 के इक्वल यानी 1, ये कॉस का वैल्यू, ये टेबल है कॉस का है ना, ये टेबल है टैन का, ये टेबल है कॉट का, तो ये कॉस का टेबल है कॉस में कितना डिग्री एंगल का, 40, तो कॉस 45 तो साइन 45 के इक्वल हो, क्योंकि कॉस 45 बराबर साइन 45 है, पता है साइन 0 बराबर कॉस 90 है ना, वैल्यू लिख देते हैं इसका, ऐसा करते हैं यहां पर वैल्यू 1 बाई रूट 2, साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 90 बराबर कितना, 0, साइन 0 बराबर कॉस 90 होगा, साइन 60 इज इक्वल टू कॉस में 30 डिग्री के वैल्यू के इक्वल यानी रूट 3 बाई 2, देखिए कॉस 30 है ना साइन 60 के इक्वल, अब 45 तो खैर सेम होगा, तो ये हो गया कॉस 60, कॉस 60 तो साइन में 30 डिग्री के इक्वल होगा 1 बाई 2, ये हो गया कॉस 90 बराबर साइन 0 यानी 0, क्लियर, ठीक है। अब देखिए टैन, टैन का फॉर्मूला वो पढ़े थे ना आप लोग जी, टैन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मैंने प्रूफ भी कर दिया था, और कॉट थीटा का फॉर्मूला पढ़े थे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, मैंने प्रूफ भी कर दिया था है ना, तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं,
तो टैन थीटा है तो थीटा है तो यहाँ थीटा यहाँ थीटा, तो अगर टैन जीरो डिग्री रहेगा तो यहाँ पर भी जीरो और यहाँ पर भी जीरो। उसी तरह अगर कॉट 30 डिग्री रहेगा, थीटा था तो यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, 30 है तो ऊपर भी 30 और नीचे भी 30। बस केवल हमको साइन का फॉर्मूला याद करना है। और साइन का भी याद क्या करना है, याद करना है लिख दिए जीरो है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, लिख दीजिए जीरो वन टू थ्री फोर सबके फोर से डिवाइड कर दीजिए और सब पे क्या चढ़ा दीजिए और रूट चढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको जीरो बाई टू यानी जीरो, ये वन बाई टू हो जाएगा, ये कट जाएगा टू टाइम पर कुछ नहीं करवा तो वन बाई रूट टू, आई रूट थ्री अपॉन टू, आई कट जाएगा ओ वन, रूट वन यानी ओ वन, है ना। तो यार साइन का भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, साइन का भी वैल्यू आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, शुरू में भी मैंने बता दिया आपको। तो चलिए ये क्या है, टैन का डेटा है, ये टेबल जो है ये कॉलम है टैन का, और टैन में क्या डिग्री का कॉलम है, टैन में ये टैन जीरो डिग्री का कॉलम है ना, टैन में टैन कितना डिग्री का कॉलम है, तो साइन जीरो अबाई कॉस जीरो, तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो अबाई कॉस जीरो का वैल्यू वन, तो जीरो बाई बाई जीरो। देखिए जीरो बाई कुछ भी रहे, जीरो बाई समथिंग, ये पहले ही मैंने बताया इज इक्वल टू जीरो, जैसे जीरो बाई वन इज इक्वल टू जीरो, अब समथिंग बाई जीरो नॉट डिफाइंड, मतलब इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते, जैसे कि आई अपॉन जीरो, तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते है। देख लीजिए चेक करके, जीरो बाई वन है तो ऐसे डिवाइड करेंगे, नीचे वाले को डिवाइजर और ऊपर वाले को डिवाइडेड, है ना, नीचे वाले को यहाँ रखते हैं ऊपर वाले को डिवाइडेड यानी बीच में, तो वन को कितना से लगा लेंगे, जीरो आवे जीरो से, लेकिन इसमें क्या है जीरो फाइव बाई जीरो में, तो ऐसे करना है जीरो को कितना से लगावे कि फाइव आवे, पॉसिबल है जीरो को कितना से लगाए कि फाइव आए, तो नॉट पॉसिबल, इसलिए मैंने बोल दिया नॉट डिफाइन, ठीक है क्लियर, गिज भी हो जाएगा इसलिए मैं इरेज कर दिया। उसी तरह ये किसका वैल्यू है, टेन 30, ये तो पहली बात की टेन का वैल्यू है, ये डेटा जो मेरे पास है वो डेटा टेन का है, ठीक है, ये डेटा मेरे पास है टेन का, इस कॉलम इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि इसमें हमको जगह की जरूरत पड़ जाएगी, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये टेन, ये टेबल जो हो गया टेन का, अब टेन में कितना डिग्री का, 30 डिग्री का, तो फॉर्मूला साइन 30 अबाई कॉस 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना है जी, देख लीजिए कहा गया, कहा गया साइन 30 वन बाई टू है ना, अबाई कॉस 30 रूट थ्री बाई टू, तो वन बाई टू मैं डिवाइड किया इनटू में लेंगे टू बाई रूट थ्री, तो टू से टू कैंसिल क्या बचा वन अपॉन रूट थ्री, है ना, वन अपॉन रूट थ्री, देखिए जगह की थोड़ी सी एडजस्ट कर रहा हूं मैं, इसलिए तो किसका इसका वैल्यू आ गया वन अपॉन रूट थ्री, मैं किसी तरह लिख देता हूं यहां पर एडजस्ट करके, वन अपॉन रूट थ्री, ठीक है, यही ना पढ़ा टेबल आप देख लीजिए बुक में। उसी तरह ये किसका है टेन 60 का, ये पहली बात तो टेन थीटा का वैल्यू है टेन में, सॉरी 45 डिग्री का ना, ये तो साइन 45 अबाई कॉस 45, तो साइन 45 का वैल्यू वन अपॉन रूट टू अबाई कॉस 45 का वन अपॉन रूट टू, तो ये तो कट जाएगा वन, क्लियर, वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू कैंसल वन, ये हो गया टेन का, टेन में कितना डिग्री का, ये टेन थीटा का वैल्यू है टेन में कितना डिग्री, तो साइन 60 अबाई कॉस 60, तो साइन 60 का वैल्यू कितना है देख लीजिए रूट थ्री बाई टू अबाई वन बाई टू, तो नीचे डिवाइड में नीचे नीचे कट जाता है, चलिए एक लाइन बढ़ाई देता हूँ रूट थ्री बाई टू इंटू टू बाई वन हो जाएगा कैंसिल रूट थ्री। अब चलिए ये है टेन थीटा में किसका वैल्यू, टेन 90 डिग्री का, टेन
90 थीटा, tan 90 इज इक्वल टू sin 90 या बाय cos 90 तक, sin 90 का वैल्यू 1 और cos 90 का वैल्यू 0 तो 1 बाय 0 ये देखिए समथिंग बाय 0 नॉट डिफाइंड समथिंग बाय 0 नॉट डिफाइंड का सिंबल ऐसे देते हैं ये सिंबल हो गया नॉट डिफाइंड का या लिख दीजिए नॉट डिफाइंड मतलब इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है ठीक है एक चीज आप ध्यान दीजिएगा सम ऑफ ये इनवर्स ऑफ जीरो इनवर्स ऑफ जीरो कहने का मतलब जीरो बाई वन कितना होगा वन बाई जीरो कहने का मतलब नॉट डिफाइंड क्लियर इनवर्स ऑफ जीरो जीरो कहने का मतलब जीरो बाई वन जीरो बाई वन का इनवर्स वन बाई जीरो ऐसी को समथिंग बाई जीरो नॉट डिफाइंड यानी जीरो का डेट इज इनवर्स ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड इनवर्स ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड जीरो का इनवर्स डिफाइन नहीं किया जा सकता क्लियर है चलिए अब उसी तरह अब चलिए कॉट किसका कॉट कॉट में कितना डिग्री ये समझ गए ना आप लोग थोड़ा सा ये टेबल जो है ये चला गया है ये थोड़ा सा लंबा चला गया है यहाँ पर देख लीजिए साइन जीरो बाई कॉस जीरो है तो जीरो बाई वन जीरो साइन थर्टी बाई कॉस थर्टी साइन थर्टी का वैल्यू रख दिए अब मेन डिवाइड ये है तो इंटू में बदल दिए टू ऊपर और रूट थ्री नीचे तो बच गया वन बाई रूट थ्री ठीक है इस तरह मैंने एडजस्ट कर लिया ठीक है मैं आपको यहाँ पर प्रूफ तो मैंने पहले ही कर दिया अब चलिए कॉट जी कॉट का टेबल है ये और कॉट में जीरो डिग्री कॉट में जीरो डिग्री तो कॉट का उल्टा होता है टैन है ना कॉट का इनवर्स आप बताइए कॉट जीरो है तो टैन जीरो का इनवर्स होगा अब कॉट जीरो किसका इनवर्स होगा कॉट जीरो इज इनवर्स ऑफ टैन थर्टी डिग्री कॉट जीरो इज इनवर्स ऑफ टैन थर्टी डिग्री जीरो है तो किसका इनवर्स जीरो डिग्री कहीं ना होगा कि कॉट जीरो इनवर्स ऑफ टैन सिक्सटी डिग्री होगा कॉट जीरो इनवर्स होगा टैन जीरो डिग्री का अगर कॉट सिक्सटी रहेगा तो इनवर्स ऑफ टैन सिक्सटी बस ये हो गया और क्या इसको करने की कोई जरूरत नहीं तो कॉट थीटा ना ये कॉट क्या है थीटा तो कॉट में जीरो डिग्री तो कॉट जीरो किसका इनवर्स टैन जीरो का कॉट जीरो किसका इनवर्स होगा तो टैन जीरो कितना है जीरो तो इसका इनवर्स ना चाहिए तो नॉट डिफाइन जीरो का इनवर्स चलिए कॉट थर्टी किसका इनवर्स होगा कॉट थर्टी जो है या एक और चीज कह सकते हैं सम ऑफ टू एंगल्स इज आगे ही चलो उसे भी बताऊंगा पहले इसको देख लीजिए कॉट थर्टी डिग्री है ये तो कॉट थर्टी किसका इनवर्स होगा कॉट थर्टी इनवर्स की मैं बात बोल रहा हूँ इसके इक्वल है मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ ये तो हम जान ही रहे कि कॉट थर्टी इज इक्वल टू टैन सिक्सटी होगा कॉट थर्टी इज इक्वल टू लेकिन मैं पूछ रहा हूँ इनवर्स कॉट थर्टी किसका इनवर्स होगा साइन थर्टी का कि टैन थर्टी का कॉट का इनवर्स टैन होता है ध्यान रहे कॉट का इनवर्स टैन होता है तो कॉट थर्टी का जो है क्या होगा इनवर्स टैन थर्टी तो टैन थर्टी कितना है वन बाई रूट थ्री तो इनवर्स क्या होगा रूट थ्री बाई यानी रूट थ्री एक और तरीका से इसको आगे बताऊंगा ठीक है अब देखिए आपको टैन कॉट 45 है तो किसका कॉट 45 का इनवर्स टैन 45 कितना है ये वन तो वन का इनवर्स तो वन होगा वन का इनवर्स दो ऐसा नंबर है वन एंड माइनस वन जिसका इनवर्स सेम होता है वन का इनवर्स मैं पूछूं तो वन के नीचे कुछ नहीं तो वन तो इसका इनवर्स वन बाई वन और माइनस वन रहेगा तो नीचे कुछ नहीं तो वन तो वन बाई माइनस वन यानी माइनस ऊपर ही लिखे चाहे नीचे तो कोई फर्क तो दो नंबर ऐसा है वन एंड माइनस वन जिसका इनवर्स सेम होता है टू नंबर्स वन एंड माइनस वन हैव सेम इनवर्स वन का इनवर्स भी वन और माइनस वन का भी माइनस वन तो चलिए अब इसका देखिए अब ये किसका है कॉट 60 कॉट 60 है तो कॉट 60 किसका इनवर्स होगा टैन 60 का कॉट 60 किसका तो टैन 60 कितना है रूट तो इसका इनवर्स अब चलिए जीरो दिन का उल्टा रात तो रात का उल्टा तो जीरो का इनवर्स हो गया नॉट डिफाइंड तो नॉट डिफाइंड का इनवर्स तो चलिए अब ये कॉट 90 है तो कॉट 90 किसका इनवर्स होगा
ये tan 90 का कटता है, tan 90 क्या है नॉट डिफाइंड, इसका इनवर्स जीरो। अब चलिए sec, तो sec थीटा है cos थीटा का इनवर्स, है ना, ये सब पहले ही बता दिया मैंने, इनवर्स ऑफ cos थीटा इज sec थीटा, ये पहला वीडियो में ही मैंने बता दिया था या दूसरा वीडियो में, sec थीटा का इनवर्स cos थीटा। तो चलिए sec का कंपेयर किस से cos से, जैसे cot का cot इनवर्स था tan का, तो cot का tan से कंपेयर किए, और sec किस का इनवर्स है cos का, तो cos से कंपेयर करेंगे, तो sec 0 ना, ये sec का है वैल्यू, sec में कितना डिग्री का ये है 0, sec में कितना डिग्री का 0, तो sec 0 डिग्री का किसका इनवर्स होगा cos 0 का, तो cos 0 कितना 1, तो 1 का इनवर्स तो 1 ही होगा, 1 का इनवर्स, और sec 30 किसका इनवर्स होगा cos 30 का, तो इसका इनवर्स 2/√3। अब देखिए sec 45 किसका इनवर्स होगा, किसका, तो √2/1 होगा, यानी √2, कोई टेढ़ा देखिए याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए sec 60 ये कितना, sec 60 किसका इनवर्स होगा cos 30 का, 60 के cos 45 का, 60 के cos sec 60 cos 60 का इनवर्स होगा, तो इसका इनवर्स 2/1 यानी 2। अब ये sec 90, तो sec 90 किसका इनवर्स होगा cos 90, cos 90 का, sec 90 है किसका इनवर्स होगा cos 90, तो cos 90 0 है इनवर्स ना, तो कितना हो जाएगा 0, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का सिंबल इस तरह से होता है, ऐसे सोया हुआ 8, सोया हुआ 8। फिर अब चलिए साइन थीटा का इनवर्स पढ़े हैं कोसेक थीटा, साइन थीटा का इनवर्स क्या पढ़े हैं कोसेक, कोसेक इनवर्स ऑफ साइन थीटा कॉस नहीं, इनवर्स ऑफ साइन थीटा कॉस नहीं, कोसेक, कोसेक, कोसेक साइन थीटा का इनवर्स कोसेक थीटा। तो चलिए ये कोसेक में क्या डिग्री का वैल्यू है, 0 डिग्री का, तो कोसेक 0 किसका इनवर्स होगा साइन 30 का कि साइन 0 का, साइन 0 का, तो साइन 0 कितना है 0, तो इनवर्स नॉट डिफाइंड, 1 साइन 0 0 है, किसका इनवर्स होगा। अब चलिए कोसेक आ गया 30, तो किसका इनवर्स, कोसेक, कोसेक 30 किसका इनवर्स होगा साइन थर्टी कितना 1/2, तो 2/1 यानी 2 हो जाएगा। अब टेबल देख लीजिएगा आपके बुक में होगा, है ना, आप देखिएगा ये कॉसेक 45 किसका इनवर्स होगा, तो साइन 45 का, कॉसेक का साइन का इनवर्स कॉसेक, तो कॉसेक का इनवर्स साइन, दिन का उल्टा रात, तो रात का उल्टा है ना, तो इनवर्स मीन्स भी उल्टा ही हुआ, तो साइन का इनवर्स कॉसेक, तो कॉसेक का इनवर्स साइन, तो कॉसेक 45 साइन 30 का इनवर्स होगा, साइन 45 का इनवर्स होगा कि साइन 60 का इनवर्स होगा, साइन 45, साइन 45 कितना 1/√2, तो √2/1 हो जाएगा यानी √2। अब चलिए कॉसेक 60, तो साइन 60 का इनवर्स साइन 60 √3/2, तो √2/√3 हो जाएगा। अब कॉसेक 90, तो इसका इनवर्स साइन 90, तो साइन 90 1 का इनवर्स हो गया टेबल, है ना, क्लियर। तो देखिएगा मैंने यहां पर देखिए एक और तरीका से मैं इसको टेबल को समझाने का कोशिश करता हूं, ये तो टेबल हुआ इनवर्स बेसिस पे समझा है, साइन का वैल्यू आप लोगों को याद हो गया, साइन का वैल्यू याद हो गया, तो कॉस का अपने आप याद हो गया, साइन का नीचे यहां से नीचे जाइए, कॉस का नीचे से ऊपर चल जाइए, देखिए ना साइन में क्या गए हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब यहाँ पे कॉस में नीचे से चल जाइए 0, 1/√2, √3/2, बस साइन में ऊपर से जो नीचे है वही कॉस में नीचे से ऊपर चला गया, साइन में देखिए ऊपर से नीचे आए 0 है तो सबसे नीचे, फिर 1/2 या देखिए 1/2, 1/√2 तो ये तो खैर बीच में पड़ जाता है, ये देखिए √3/2, ये देखिए √3/2, ये देखिए 1 सबसे नीचे, ये सबसे ऊपर, साइन का याद हो गया तो सब अपने आप याद हो जाएगा, साइन का याद हो गया तो सब अपने आप याद हो जाएगा, तो कॉस का तो भाई अपने आप ऊपर से नीचे आए तो नीचे से ऊपर जाइए, ऊपर से नीचे तो नीचे से, और टाइम थीटा का फॉर्मूला जानते हैं साइन थीटा बाई कॉस, तो 0 है तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो इसका वैल्यू 0/√0, और टाइम 30 हो गया साइन 30 बाई कॉस 30, टाइम 30 1/2,
कॉस 30 रूट 3 बाई 2 में डिवाइड किया इनटू बदल दिया 2 पर रूट 3 इनसे कट लिया 1 बाई रूट, इस तरह से निकाल दिए। अब टैन थीटा इनवर्स बेसिस पे समझाएं, तो जीरो का यहाँ पर देख लीजिए इनवर्स ऑफ जीरो माने जीरो बाई वन इज वन बाई टू यानी नॉट डिफाइंड। तो जीरो का इनवर्स क्या हो गया नॉट डिफाइंड, है ना, जीरो का इनवर्स नॉट डिफाइंड, क्योंकि देखिए जीरो बाई समथिंग जीरो और समथिंग बाई जीरो जैसे फाइव बाई जीरो नॉट डिफाइंड। तो देख लीजिए यहाँ पर कॉट, ये कॉट कितना डिग्री का है जीरो डिग्री, तो कॉट जीरो टेन जीरो का इनवर्स होगा, तो टेन जीरो था जीरो इसका इनवर्स नॉट डिफाइंड। अब ये क्या था कॉट थर्टी, तो cot 30 इनवर्स होगा किसका, इनवर्स में पूछ रहा हूं tan 30 का, तो tan 30 है कितना आपको 1 by root 3, tan 30 कितना है 1 by root 3, तो इसका इनवर्स root 3 by 1 है root 3। इस तरह से sec में आइए sec 0, तो sec 0 किसका इनवर्स होगा cos 0 का, तो cos 0 कितना है 1, तो 1 का इनवर्स 1 ही होगा, 1 एंड -1 बोथ हैव सेम इनवर्स। अब चलिए मैं यहां पर आ जाता हूं, ये आपका आ गया sec 60 डिग्री sec, तो cos 60 का इनवर्स होगा, तो cos 60 कितना 1 by 2, तो इसका इनवर्स 2 by 1। चलिए आ जाते हैं sec ये cosec 45, तो cosec किसका इनवर्स है sin का, sin का इनवर्स cosec, तो cosec 45 तो sin 45 का sin 45 किया हुआ है, तो इसका इनवर्स root 2 by 1 यानी root 2। चलिए बात कर लेते हैं cosec 60, cosec तो साइन 60 का इनवर्स होगा, तो साइन 60 कितना रूट 3 बाई 2, ये देखिए साइन 60 रूट 3 बाई 2 तो 2 बाई रूट 3, इस तरह से क्लियर हो गया आप लोगों को। तो देखिए यहां पर मैंने एक और पॉइंट से भी समझाने का कोशिश कर रहा हूं, सम ऑफ टू एंगल्स 90 हो साइन थीटा और कॉस थीटा में, तो दोनों वैल्यू सेम होगा, सम ऑफ टू एंगल्स 90 साइन में और कॉस में, तो दोनों वैल्यू सेम होगा, जैसे sin 30 इज इक्वल टू cos 60 होगा, देखिए sin 30 का वैल्यू आ गया 1 by 2 और cos 60 भी 1 by 2, है ना, ये 80 का डेटा आपके पास, 80 और 10 का डेटा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। sin 45 देखिए और cos 45 देखिए दोनों इक्वल होगा, sin 45 1 by root 2 cos 45 भी 1 by root 2, sin 0 देखिए 0 और cos 90 इक्वल है, sin 60 देखिए साइन 60 रूट आपका रूट 3 बाई 2 और कॉस 30 भी देखिए रूट 3 बाई 2, साइन 90 देखिए 1 इज इक्वल टू कॉस 0 1, है ना। क्लियर तरीका से इसको मैं और समझाने का कोशिश कर रहा हूं, साइन और कॉस को तो मैंने समझा दिया कि साइन 0 बराबर कॉस 90, साइन 30 बराबर कॉस 60, यानी सम ऑफ टू एंगल्स 19 साइन और कॉस, तो बोथ वैल्यू सेम। अब उसी तरह टू एंगल्स का सम टेन और कॉट में 90 हो तो दोनों वैल्यू सेम, ध्यान रहे सम ऑफ टू एंगल्स 90 इन टेन एंड कॉट, टेन और कॉट में जैसे मान लेते हैं हमको टेन 30 का वैल्यू याद है तो कॉट 60 का वैल्यू अपने आप याद हो जाएगा, टेन 30 का वैल्यू याद है हमको 1 बाई रूट 3, तो कॉट 60 भी जरा देख लीजिए कॉट 60 भी 1 बाई रूट 3, तो ये आपको बहुत ही मदद करेगा, ये बहुत ही आपको ज्यादा मदद करेगा, ये बहुत ही, ये जो पॉइंट मैं लिखाया अभी दो ये इसके पहले साइन और कॉस में दो एंगल का सम 90 और ये दोनों, ये आपको बहुत हेल्प करेगा सॉल्यूशन को सॉल्व करने में, है ना। तो सम ऑफ टू एंगल्स 90 और टेन और कॉट में तो दोनों वैल्यू सेम, जैसे टेन 0 बराबर कॉट 90 होगा इज इक्वल टू कितना 0, देख लीजिए टेन 0 का वैल्यू 0 और कॉट 90 भी 0, टेन 30 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू कॉट 60, तो कॉट में देख लीजिए टेन 30 ये हो गया और कॉट में 60 ये हो गया 1 बाई रूट 3, टेन 45 इक्वल कॉट 45 ये देखिए, टेन 60 टेन 60 रूट 3 इज इक्वल टू कॉट 30 रूट 3, टेन 90 नॉट डिफाइंड इज इक्वल टू टेन 90 काउंट में कितना 0 था ना 90 है 0 90, ये देखिए 60 या 30 90 हो गया ना, दोनों मिला के क्या डिग्री 90 टेन में और कॉट में, दोनों को मिला के 90 डिग्री टेन में और कॉट में, तो दोनों वैल्यू सेम, टेन 60 का भी वैल्यू रूट 3 और कॉट 30 का वैल्यू, टेन 60 का वैल्यू रूट 3 और कॉट 30 का वैल्यू रूट 3, उसी तरह टेन 90 के नॉट डिफाइंड और कॉट 0 भी नॉट डिफाइंड, क्लियर है। उसी तरह सेक में और कॉसेक में होता है, सेक में और कॉसेक में, सेक में और कॉसेक में, सम ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री सेक एंड कॉसेक, सेक और कॉसेक में दो एंगल्स का सम 90 हो तो दोनों वैल्यू सेम होगा,
ये बहुत ही मदद करेगा आपको सॉल्यूशन जो है इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ऐसे कितना आप याद करिएगा भाई फॉर्मूला जी, कितना फॉर्मूला याद कीजिएगा। बाई चांस हमको याद नहीं है तो क्या करेंगे, हमको पता है कि साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो कॉस 60 पता हो गया 1/2, क्योंकि दोनों मिला के 90 डिग्री है। साइन 30 भी, साइन 30 और कॉस 60, देखिए दोनों को मिला के क्या डिग्री 90 डिग्री, दोनों को मिला के क्या डिग्री 90, साइन और कॉस में तो दोनों वैल्यू सेम होगा, दोनों का होता है 1/2, क्लियर। उसी तरह sec और cosec में होता है, sum of two angles 90, sec and cosec तो दोनों वैल्यू सेम। आप देख लीजिए तो sec 0 और cosec 90 दोनों का वैल्यू, देखिए 0 और 90 हो जाएगा, sec और cosec में दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा। देख लीजिए sec 0 का वैल्यू 0 1 और cosec 90 का वैल्यू भी 1। उसी तरह sec 30 और cosec 60 दोनों सेम होगा, देखिए 30 और 60 कितना डिग्री 90, sec में और cosec में दोनों वैल्यू सेम होगा। आप मिला लीजिए sec 30 कहां गया, ये 2/√3 और cosec 60, cosec 60 यहां पे 2/√3। उसी तरह sec 45 cosec 45 इक्वल होगा, देखिए sec 45√2 cosec 45√2। उसी तरह sec 60 बराबर cosec 30, देखिए दोनों एंगल का सम 90, दोनों एंगल को मिला दीजिए 60 और 30 90, sec और cosec में तो दोनों वैल्यू सेम। देख लीजिए sec 60 का वैल्यू 2 और cosec 30 वैल्यू 2, ठीक है। उसी तरह sec 90 बराबर cosec 0, तो sec 90 का वैल्यू देख लीजिए नॉट डिफाइंड और cosec 0 नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड 0 का इनवर्स नॉट डिफाइंड, क्लियर हो गया। तो ये तो अगर ये आपको दिमाग में रहेगा तो आपको बहुत ही मदद करेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में। कुछ फॉर्मूला और ये 6 फॉर्मूला है, इसके बाद भी मैं और कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताऊंगा जो कि आपको 10th में पढ़ना नहीं है, बट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ताकि आगे आपको परेशानी ना हो, है ना। तो देखिए कुछ मैंने फॉर्मूला वही 90 डिग्री बेसिस पर ही लिखा, अभी मैंने बताया साइन और कॉस में दो एंगल का सम 90 तो दोनों वैल्यू इक्वल, तो देखिए साइन 90 है ना, तो साइन में किसके इक्वल कॉस के, तो कॉस में किसके इक्वल साइन का, अभी मैंने बताया सम ऑफ टू एंगल, अब देखिए दोनों को जोड़िए ना 90 माइनस थीटा, दो एंगल कौन कौन हो गया वो 90 माइनस थीटा और थीटा, दोनों को क्लास कीजिए कट जाएगा बराबर 90, तो दोनों का एंगल का सम 90 आ गया, दोनों वैल्यू सेम, तो फॉर्मूला सही, ठीक है। एक नजर फिर से देखो, ध्यान दीजिए मैंने आपको अभी एक बताया पॉइंट, और मैंने आपको पॉइंट का बताया, आप डेटा देखो, आप टेबल देखो, हो सकता है मैं गलत बता रहा हूं, टेबल आप देख लो आपके, ठीक है मैंने हो सकता है टेबल में गलत लिख दिया हो, आपके बुक में जो टेबल है वो देख लो, आपके बुक में भी टेबल दिया हुआ है ना साइन 30 कॉस 45 सेक 45 कॉसेक 30, तो आप उसमें देख लो, हो सकता है मैं गलत बता रहा हूं, तो आप टेबल देख लीजिएगा बिलीव ना हो तो। तो दो एंगल का सम 90, देखिए दो एंगल्स कौन कौन इसमें 90 डे माइनस थीटा और एक थीटा, दोनों को जोड़िए तो थीटा माइनस थीटा हो जाएगा 0, तो 90 आ जाएगा, दोनों का सम 90 आ गया, दोनों वैल्यू सेम, तो साइन में 90 डिग्री है दोनों का सम, तो किसके इक्वल कॉस के, कॉस में दो एंगल का सम 90 है तो किसके इक्वल, जब साइन कॉस के इक्वल तो कॉस साइन के, टैन में बताया मैंने सम ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री इन टैन थीटा एंड कॉट थीटा, सम ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री इन टैन थीटा एंड कॉट थीटा, दोनों बोथ वैल्यू सेम, तो टैन में है 90 डिग्री तो किसके इक्वल कॉट थीटा के। उसी तरह टैन के, टैन में कॉट के इक्वल तो कॉट वाला टैन के इक्वल, अभी मैंने बताया सम ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री इन सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा लास्ट पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट इसके पहले मैंने यही बताया, सबसे लास्ट पॉइंट इसके पहले मैंने यही बताया सम ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री इन सेक एंड कॉसेक देन बोथ वैल्यू सेम, तो देखिए तो दोनों को प्लस करके देखो 90 माइनस थीटा है और एक एंगल थीटा है कट जाएगा 90, दोनों का सम 90 आ गया, यानी दोनों वैल्यू सेम होगा, तो sec 90 माइनस थीटा किसके इक्वल cosec के, तो cosec किसके इक्वल sec के, यानी sec cosec के तो cosec है ना, sin sum of two angles 90 इन sin में sin एंड cos, तो इधर sin तो इधर cos, तो cos वाला sin, sum of two angles 90 इन tan एंड cot, तो इधर tan तो cot, इधर cot तो sum of two angles 90 इन sec एंड cosec, तो इधर sec तो ये और cosec, तो चलिए मैं इसको प्रूव कर दे रहा हूं, हो सकता है गलत बता दिया, अंदाजे लिख दिया बुक में, अगर बुक में जो है मैथमेटिक्स में अंदाजे लिख दिए, ऐसी कोई बात नहीं है, चलिए इसको मैं प्रूव कर दे रहा हूं,
क्या प्रूफ करना है, ये छह गुणों में एक प्रूफ करता हूँ, बाकी पांच आप पे छोड़ता हूँ। बस एक समझ गए तो पांचों इसी तरह से हो जाएगा, एक मैं और बाकी पांच आप। तो देखिएगा इसमें थीटा है और 90 माइनस थीटा है, तो ऐसा ट्रायंगल लीजिए कि जिसमें थीटा हो और 90 माइनस थीटा हो, ऐसा ट्रायंगल लो कि जिसमें थीटा हो और 90 माइनस थीटा हो, ठीक है, एक थीटा हो और एक 90 माइनस थीटा हो। तो चलिए एक वो थीटा वाला ले लिए, एक वो 90 माइनस, दोनों इक्विट एंगल है, एंगल ए एंड एंगल सी आर इक्विट एंगल्स इन राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में ऐसे भी दो गो एक्यूट एंगल होता है और एक गो 90 डिग्री होता है। इन राइट ट्रायंगल टू एंगल्स आर एक्यूट, यानी लेस देन 90 मोर देन 0 और एक एंगल 90, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल सी एक्यूट एंगल है, तो एक ट्रायंगल ले लिए जिसमें एक एंगल 90, एक थीटा ले लिए एक 90 माइनस थीटा। ऐसा क्यों लिया, क्योंकि थीटा और 90 माइनस थीटा लाना है हमको, थीटा और 90 माइनस थीटा लाना है, इसलिए देखो मैं एक एंगल थीटा ले लिया तो एक एंगल 90 माइनस थीटा, दोनों तीनों को प्लस करके देखिए 180 आना चाहिए। तो थीटा 90 माइनस थीटा और प्लस 90, तो थीटा थीटा ये कैंसिल, तो इक्वल टू 180 आ जाएगा, क्लियर। तो सम ऑफ थ्री एंगल्स 180 आ ही जाता है। तो ऐसा लिए कि एक एंगल थीटा भी वो 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा 90 माइनस थीटा लाना है। ट्रायंगल ले लिए राइट ट्रायंगल, जब लिख दिए राइट ट्रायंगल एबीसी इन बीच एंगल बी 90, एंगल ए इक्वल टू थीटा, एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो चलिए अब थीटा के लिए हमने बताया था गिवन एक्यूट एंगल के अपोजिट वाला परपेंडी, तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस तो खैर फिक्स है 90 के सामने, तो ये बेस हो जाएगा। अब इसको एक्यूट एंगल मान रहे हैं, एंगल सी बराबर 90 माइनस थीटा एक्यूट एंगल, एंगल सी 90 माइनस थीटा एक्यूट एंगल, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो और हाइपोटेनस तो फिक्स है, तो ये बचा जो बेस ले रहे माइंड में एकदम सेटअप कर लीजिए। गिवन एक्यूट एंगल के अपोजिट वाला आपका परपेंडिकुलर, इसमें एक्यूट एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर, इसमें एक्यूट एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर, इसमें परपेंडिकुलर ए बी था, इसमें नाम चेंज कर दिया उसे ए बी सी, इसमें परपेंडिकुलर था ये बी सी था, सॉरी इसमें परपेंडिकुलर बी सी था और इसमें परपेंडिकुलर ए बी था, इसमें ए बी परपेंडिकुलर और इसमें है ना। तो चलिए अब प्रूफ करते हैं, पहला साइन क्या है 90 माइनस थीटा, चलिए यहाँ पर साइन थीटा ले लेते हैं। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, पी अपॉन एच, इसको मान लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट, साइन थीटा का पी बाई एच होता है ना। अब साइन 90 माइनस थीटा जा रहा है तो इसमें जाइए, इसका भी तो फॉर्मूला होगा पी बाई एच ही ना जी, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दिया मेरी बात पे, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मेन आपको डाउट होगी, यहीं पर मेन आपको जो डाउट हो सकती है शायद यहीं पर साइन, हाँ साइन 90 माइनस थीटा, आपको पहला क्या को पहला प्रूफ करना था साइन 90 माइनस थीटा, कोई बात नहीं, पहला प्रूफ करना था साइन 90 माइनस थीटा, चलिए वही ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं फर्स्ट ही प्रूफ कर रहा हूँ, ले लिया था साइन थीटा, सेकंड वाला लेके चला गया था, पहला प्रूफ करना क्या साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा तो इसमें जाना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा इसमें जाना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर प्रूफ करना है साइन 90 माइनस इक्वल कॉस थीटा, तो 90 माइनस थीटा इसमें जाना पड़ेगा, पी बाई एच, तो पी के जगह पी हो गया अब बाई, इसके सामने ये पी और एच, तो खैर फिक्स है एच कभी बदलने वाला। अब इसमें ले लेता हूं कॉस, इसके साथ क्या लाना है कॉस लाना है, इसके साथ क्या लाना है कॉस, तो ले लेता हूं कॉस की थीटा, तो थीटा इसमें जाएगा ना, कॉस थीटा लाना है, ध्यान दीजिए कॉस थीटा लाना है तो कॉस थीटा इसमें जाना पड़ेगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच, कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाई एच, तो बी कहाँ गया ये कहाँ गया, ये कॉस थीटा ये, तो ये परपेंडिकुलर और ये बी की जगह ये बी बराबर ए बी हो गया, बी क्या हो गया ए बी कॉस थीटा इक्वल टू बी के जगह यहाँ पे क्या है ए बी, हाइपोटेनस क्या है ए सी, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर भी एक लाइन बढ़ा देता हूँ मैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, इसमें बताइए तो परपेंडिकुलर कौन है ए बी, या हाइपोटेनस कौन है ए सी, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट, या फर्स्ट एंड सेकंड लिखिए कोई दिक्कत नहीं,
फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट। तो सेकंड इक्वेशन का आरएचएस देखिए, इसका आरएचएस देखिए सेम है, तो आरएचएस सेम देने लेचेस, आरएचएस इज सेम देन एलएचएस विल बी ऑलवेज सेम। तो एलएचएस यानी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्लियर? चलिए एक और मैं प्रूव कर देता हूं आपको, क्लियर है ना? तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है। हमको क्या लाना था? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा इसमें गए, 90 माइनस थीटा के लिए कॉस थीटा, तो थीटा इसमें गए। क्लियर? तो दोनों को से फिर देखें कि पी वाई एच फॉर्मूला हुआ, इसमें जो पी हुआ वो हो गया, इसमें cos थीटा b / a, तो b यहां पर हो गया ab, हाइपोटेनस ac, इसमें p / h तो p हो गया ab, अब हाइपोटेनस देखिए RHS सेम हो गया, तो RHS भी सेम। अगर पहले cos थीटा लिख देते इधर, उसके बाद sin 90 माइनस थीटा, उससे कोई दिक्कत था? अरे cos थीटा इधर लिखते हैं, sin 90 माइनस थीटा, तो इससे कोई दिक्कत? एक और मैं प्रूव कर देता हूं, बाकी चार आप पे छोड़ दूंगा। तो चलिए मैं एक और प्रूव कर देता हूं, है ना, और बाकी मैं आपको चार आपसे छोड़ दूंगा। चलिए मैं प्रूव कर दे रहा हूं, ऐसा करता हूं मैं प्रूव कर देता हूं, ये वाला तो मैं प्रूव कर दिया, ये वाला पे जाता हूं, ठीक है। फाइव नंबर प्रूव करता हूं, कौन सा नंबर? फाइव नंबर ठीक है। तो ध्यान दीजिए, फाइव नंबर में हमको क्या लाना है? सेक 90 माइनस थीटा। फाइव नंबर में लाना है सेक 90 माइनस थीटा, तो इसमें जाना पड़ेगा सेक 90 माइनस थीटा, इसमें जाना पड़ेगा 90 माइनस थीटा। फॉर्मूला क्या होता है? पंडित भोला पंडित बटा हरा हरा बम, नहीं आता तो ट्रिक लिख लिए, साइन कॉस टैन कॉट सेक, ये कॉस सेक, तो सेक हो गया, ये सेक का फॉर्मूला एच बाई बी। तो सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एच के जगह क्या है एसी, अब बाई बी के जगह बी सी, इसको मान लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट एसी बाई बी सी, इसको मान लेता हूं। अच्छा चलिए, फर्स्ट को ऑलरेडी पहले से माने हुए थे तो थर्ड मान लिया, फर्स्ट सेकंड तो पहले से माने हुए थे तो इसको थर्ड मान लिया, ठीक है। उसी तरह सेक के साथ लाना क्या है? सेक 90 माइनस थीटा के साथ कौशिक, तो कौशिक लेता हूं, तो कौशिक के लिए थीटा, कौशिक थीटा, थीटा के लिए इसमें जाना पड़ेगा कौशिक थीटा। फॉर्मूला क्या होता है कौशिक का? एच बाई पी, कौशिक नीचे ना जी, तो एच बाई पी। चलिए कौशिक थीटा एच के जगह क्या हो गया एसी, और पी इसमें कौन हो गया बी सी। इक्वेशन फोर ठीक है। तो देखिए आर एच एस एसी बाई बी सी, इसका भी आर एच एस एसी बाई, तो आर एच एस क्या है सेम है, तो एल एच एस भी, तो सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो एल एच एस दोनों का सेम हो गया। चलिए प्रूफ हो गया, बाकी चार आप लोग खुद से कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर पॉज कर देते हैं, और वीडियो आप लोग अच्छी लग रही है तो जरूर लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो में हम जो है कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ेंगे, कुछ एडवांस फॉर्मूला पढ़ेंगे, जो कि आपको इंटरमीडिएट में पढ़ना है, लेकिन मैं जानकारी बहुत ही आसान तरीका से रिप्रेजेंट करूंगा, तो अगले वीडियो में।